बलीपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक परिवार के दादी पोते की निर्मम तरीके से सिर कूच कूच कर हत्या कर दी। आसपास के लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। ये श्री धर्मेंद्र गुप्ता जी के परिवार का घटना है। ये लोग पति पत्नी प्रयागराज गए हुए थे और आज लौटे हैं, तो धर्मेंद्र जी की माता जी और उनका एक साल का बेटा मृतावस्था में मिले हैं घर पे, जिनके सर पे ईंटों से लगता है ऐसा कि प्रहार किया गया। घर पे कुछ सामान भी फेंका गया, लेकिन पता चला इनके घर वालों से बताया जा रहा है, इनके पटीदारों से इनका विवाद है और उनके घरों की जब दबी थी गई तो उनके घर पे सारे लोग आ गए। सुबह तक ये लोग जिंदा से बताए जा रहे हैं और सुबह तक ये 7-1 बजे के आसपास ये घटना घटी थी। 7 बजे अभी तक जितनी बातें हमने समझ गए, क्योंकि घटना से पहले हम लोग हैं और कई लोगों से बातें हो रही हैं, तो अभी तक ये बताया गया कि 7 बजे जब इनके मिस्त्री आए थे, इनके मकान के बंद था, जब आए थे तो दरवाजा खुला हुआ था और उन्होंने ये दर्शन दिया। सर, लूटपाट का भी जो है प्रारूप देने की जो है कोशिश की गई है और परिजन भी ये कह रहे हैं कि कुछ लूटपाट हुई है, तो इसमें क्या सत्यता आप? अभी अभी तफ्तील से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उनके माता जी कार की बाली वगैरह ही नीचे पड़ी मिली थी। अगर लूटपाट की घटना इस तरह से होती तो शायद हो सकता था वो नहीं जाता, मतलब सीधे तौर पर क्या कहना है। निश्चित तौर से कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता, जैसे विवेचना होगी आगे उसके आधार पर। ठीक है।